एक बार फिर से सभी का स्वागत है इस चैनल पर। दोस्तों, मैंने आपको पहले कॉस्ट अकाउंटिंग का बीकॉम ऑनर्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था, क्वेश्चन 1 का, जो आपको दिख रहा है ये वाला, जहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन करने थे। सेकंड क्वेश्चन था आपका रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, और थर्ड क्वेश्चन इसका पार्ट था आपका ये रीऑर्डर क्वांटिटी का। ठीक है, तो अब हम इस पेपर के और दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपको प्रोवाइड करेंगे सॉल्यूशन, तो आपका पेपर पूरा ये हो जाएगा। तो हम ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं आपका, एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ ABC कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल, उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन जॉब कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग, और सी पार्ट इसका प्रोसेस अकाउंट। ठीक है, तो ये हम करेंगे, तो इसमें आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि 3 पार्ट हैं तो तीनों पार्ट में अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ये है आपका पहले पार्ट का आंसर ए। हालांकि मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, मैंने अपना वो BCom पास का था, उसमें भी ये क्वेश्चन सेम आया था आपका ABC एनालिसिस का। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी आपको ABC एनालिसिस का पहला पार्ट 1 का A, व्हाट इज़ ABC एनालिसिस, इसमें हम 3 कैटेगरी में बांट देते हैं। तो 70% A, 25% B और 5% हम सी में रखते हैं एग्जाम्पल के लिए, और क्वान्टिटी इसमें उल्टी होती है, 10% इन A, 35% इन B एंड सी में 55, मतलब जो जहाँ क्वान्टिटी ज़्यादा है और वैल्यू भी दोनों में एक निकलता है आपका डिफरेंस उल्टा वाला। ठीक है, तो क्वांटिटी आपकी कम होगी और वैल्यू ज़्यादा होगी, इसको हम सबसे इम्पोर्टेंट मानेंगे ए मानेंगे, और इसका उल्टा वैल्यू कम होगी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, इसको हम सी मानेंगे। तो ये आपका लास्ट पार्ट है, एडवांटेज बता रखे हैं आपको यहाँ पे। ठीक है, तो ये एडवांटेज भी आपको लिखने हैं ABC एनालिसिस में। पहले क्वेश्चन में मेरे ख्याल से इतना आंसर काफ़ी रहेगा, और इसकी एक पिक्चर भी आप बना सकते हैं जो आपको मिली जाएगी कहीं भी, और मैं आपको दिखा देता हूँ फिर भी एक फ़ोटो उसकी। तो ये वाली इमेज आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये आप बना सकते हैं, गूगल भी आपको मिल जाएगी ये वाली इमेज, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं इसको, हाथ से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, A B और लास्ट में C। ठीक है, तो ये पहला पार्ट आपका पूरा हो जाएगा यहाँ से। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन जॉब कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग, तो इसका सोल्यूशन दिखा देता हूँ मैं आपको जो मैंने बनाया है आपके, ये आप इसको यहाँ से ले सकते हैं। ये रहा आपका 1, 2, 3 पॉइंट आपको यहाँ मिल जाएंगे जॉब कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग में डिफरेंस के, और दिखाता हूँ मैं आपको पॉइंट, 3 से काम नहीं चलेगा। बाकी ये पॉइंट मैंने और बनाए हैं आपके लिए, ये भी आप ले सकते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ कॉस्ट आइडेंटिटी, कॉस्ट असेटमेंट, इंडस्ट्री टाइप, लॉसेस, वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, ये सब मैंने लिख दिया आपके लिए, वरना आपको ये सब जो भी आंसर्स हैं ये भी आपको नेट पे मिल जाते हैं, किताब में भी आपको मिल जाएंगे ये आंसर, तो ये किताब से और नेट से आप कहीं से भी लिख सकते हो। मेन पार्ट है अब 3C का जो सॉल्व करना है, वो दिखा देता हूँ मैं आपको, इसका भी आंसर ये आप ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3C का पार्ट है, तो पहला ए पार्ट है इसके अंदर 3C में। पहले हम बनाएंगे प्रोसेस ए अकाउंट, फिर हम बनाएंगे प्रोसेस बी अकाउंट, और फिर हम बनाएंगे आपका एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। तो इनपुट मटेरियल वेजेस सब टू साइड में आ गया, और आपका जो पर्टिकुलर इसमें बाकी बाई साइड में है नॉर्मल लॉस, एन लॉस लिखा है मैंने शॉर्ट में, इसको नॉर्मल लॉस कर लेना, वो लिखा है एबनॉर्मल एब लॉस, उसको भी लिख लेना एबनॉर्मल लॉस, और बाई ट्रांसफर टू प्रोसेस बी अकाउंट पूरा पूरा लिखना है आपको एग्जाम के अंदर, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है यहाँ पे, और नीचे एबनॉर्मल लॉस कैसे निकाला है उसको मैंने आपको दिखा रखा है नीचे। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रोसेस अकाउंट का एक पार्ट, और ये जो नेक्स्ट है आपका ये है प्रोसेस बी अकाउंट। ठीक है, सेकेंड अकाउंट जो आपको दिख रहा है यहाँ भी ऐसा ही है, मटेरियल वेजेज अदर एक्सपेंसेज आपके टू साइड में आ गए, और जो आपको ए से मिला था जो प्रोसेस से मटेरियल जो मिला था आपको यहाँ पे, वो बी के अंदर आ गया टू प्रोसेस ए अकाउंट के नाम से, और इसमें भी आपको लॉस होगा, तो नॉर्मल लॉस को मैंने एन लॉस लिखा हुआ है, एबनॉर्मल लॉस को एब लॉस लिखा हुआ है, पूरा लिख देना है इसको, और आउटपुट आपका आ गया लास्ट में बचा हुआ। अब कैसे निकाली है एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू वो आप देख लो, जो तो टोटल हमारा वैल्यू आई टू साइड की उससे माइनस कर दिया हमने नॉर्मल लॉस की वैल्यू, और डिवाइड कर दिया प्रोडक्शन इन प्रोसेस बी 8400 माइनस जो लॉस हो गया 630। ठीक है, और उसके बाद अब हमें कितना निकालना है एबनॉर्मल लॉस, वो हमारा 470 आया हुआ है, तो उसको कर देना मल्टीप्लाई इससे, तो आपको मिल जाएगा 1320, ये है वैल्यू इसकी आपकी एबनॉर्मल लॉस की। बाकी जो बचा डिफरेंस वो आपका आ गया आउटपुट, बैलेंसिंग फिगर लिख देना नीचे इसके, बैलेंसिंग फिगर, और ये आपका 7300 और 20501। ठीक है, अब लास्ट में बनेगा आपका एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, तो उसमें जो ए और बी के जो दोनों हमने ऊपर लिखे थे, ये ए वाला यहाँ से 470 1320 और बी वाला यहाँ से 1500 और 2734, ये दोनों आ गए, और सेल्स जो आपकी है इसको हमने बेच दिया। ठीक है, कितने कितने बेचा हमने, जो पहले था हमें मिला था ए से उसको बेचा 75 पे, और जो बी को बेचा हमने
470 वाले को 47 पे, यानी कि 10% के हिसाब से जो बेच दिया, ठीक है। तो बस ये आपको दोनों को टोटल कर दोगे, मैच हो जाएगा, ये आपका आंसर पूरा हो गया 3C का। चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब को भी शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।